नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। इस वक्त पहुंचे सिवान के बिहार विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री अद्वैत चौधरी जी का आगमन हो चुका है। किसान भाइयों के उनको चाबी देने के लिए महिंद्रा ट्रैक्टर्स का शुभारंभ किया गया, उसके उपलक्ष्य में पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं भानु प्रताप जी हैं, मुन्ना चौधरी जी हैं, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जी पहुँचे हुए हैं। इनका आगमन काफ़ी ज़ोरदार तरीके से किया जा रहा है। आप देख रहे हैं काफ़ी ज़ोरदार तरीके से स्वागत किया जा रहा है। देख सकते हैं कि सिवान के महिंद्रा ट्रैक्टर्स में जो शुभ आरंभ किया गया था, दो दिन के बाद आज माननीय श्री अद्वैत चौधरी जी सिवान की धरती पर पधार चुके हैं। उनका स्वागत काफ़ी ज़ोरदार हो रहा है। सरकार था महामाया बाबू नन कांग्रेसी मुख्यमंत्री जी, और सरकार था ना पका है कि अध्यक्ष हुए और लोगों को सौभाग्य था कि हमारा एमएलए विधानसभा अध्यक्ष मंत्री भी सीता भी और यूपी स्पीकर हुए, तो जिनकी बन मंत्री जी का मोहनी मंत्री जी से बाबू के पांच दो फोट लेकर पहले की चुप रहो होटल लो तो कहले कि ना नौ गो तब से फिफ्टी स्पीकर हमारा के बनौले ना तो अनुग्रह बाबू एमएलए के एमएलए रखते हैं तो खाली वो डिप्टी स्पीकर बनले तो जिनकी ब्रह्म मंत्री को आप स्पीकर है। हम लोग का सौभाग्य है कि हमारा एमएलए विधानसभा में, इसलिए अपना विश्वास शोरूम और जो परिस्थिति है, जो समय है, तो मैनुअल काम करने के लिए लगता नहीं है कि कोई आदमी तैयार है, इसलिए मशीन का जुगाड़ है। और कृषकों के जब सुविधा कृषि यंत्र से लैस किया जाएगा तो किसान मेहनत करके अपने खेतों से कृषि का उत्पादन करेंगे और ज़्यादा अन्न का उत्पादन होगा। इसलिए भी कहा गया है कि किसानी अन्नदाता है, किसानी भगवान। तो किसान को नए नए तरह से कृषि यंत्र का आपूर्ति होगी या उनको साधन मिलेंगे, तो जो खेत में काफ़ी मेहनत करने के बाद से उसमें प्रोडक्शन कम होता था, लेकिन संसाधन उपलब्ध करा देने से वही खेत में उत्पादन ज़्यादा, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, समय की भी बचत हो रही है और किसान ज़्यादा अपने खेत का मतलब खेत के काम को करने में सक्षम होता है इस यंत्रों के उपलब्धता के साथ। तो एक अच्छा काम हुआ है, ट्रैक्टर महिंद्रा की एजेंसी यहाँ पुनः चालू हो गई और जो इसके जो मालिक होंगे निश्चित
निश्चित अपने शर्त बनाए हमने कि कैसे हम देंगे क्या देंगे। आजकल तो बैंकों से ऋण मिलता है, टर्म लोन भी लोग देते हैं और ट्रैक्टर खरीदते हैं किस्तों में पैसा जमा करता है। इसलिए इस जिला के किसानों के हित में है और इसी आवश्यकता भी थी, सही समय पर सही फैसला और जगह भी बहुत अच्छा है, इसलिए कि मुख्य मार्ग पर अवस्थित है प्रतिष्ठान जो खोले हुए हैं उनको मतलब इस प्रतिष्ठान से इस एजेंसी से उनको भी तरक्की हो, किसान को भी लाभ हो और सब लोग इसमें जो काम करने या अन्य जिनका सहयोग हो सब लोग अच्छे तरीके से इस एजेंसी को चलावे और ये चलेगा ट्रैक्टर महिंद्रा ट्रैक्टर का, इसलिए कि काफ़ी रिप्यूटेशन का यह ट्रैक्टर है। आज कुछ किसानों को भी अब ट्रैक्टर देने जा रहे हैं, आज कुछ किसानों को भी ट्रैक्टर देने जा रहे हैं, किसानों को फायदा होगा, फायदा कम नहीं हो, बहुत फायदा होगा किसानों को, जरूरत से ज़्यादा फायदा होगा, किसान को ही फायदा होगा और किसान को फायदा होगा तभी तो हम आम जनता को अन्न मिलेगा और हम आत्मनिर्भर होंगे। जब खेती ज़्यादा अच्छी होगी, किसान सुखी होंगे तो सब लोग सुखी होंगे। बहुत खुशी का दिन रहा कि हमारे सूर्यवंशम को हमारे बिहार विधानसभा अध्यक्ष के कर कमलों द्वारा और किसानों को फ़ायदा पहुंचाया उन्होंने और फ़ायदा पहुंचा के गाड़ी को चाबी उन्होंने अपने हाथों से दे करके हम लोगों को गणमान्य किया, मेरा बाबू को गणमान्य किया गया, सूर्यवंशम को गणमान्य किया गया, इसके लिए हम लोग को काफ़ी खुशी है। इसके लिए हम लोग काफ़ी व्यवस्था यहाँ पे किए हैं और हम लोग महिंद्रा को यहाँ लाने के लिए मेरा एक यही उद्देश्य है कि हम लोग एक जन जन से जुड़े और हमारे पास महिंद्रा का सारा ब्रांड उपलब्ध है, सारा इंप्लीमेंट उपलब्ध है और हम लोग किसानों के हित में सारा काम करेंगे। हमारे यहाँ 95% तक फाइनेंस उपलब्ध है, हमारे यहाँ अगर कोई 21,000 रुपये 11,000 रुपये भी देता है तो हम उनको उस किसान को गाड़ी देते हैं। गरीब किसानों के लिए कोई विशेष छूट भी है क्या? गरीब किसानों के लिए विशेष छूट आज सर एक के लिए भी करेंगे, चाबी दिया गया है विधानसभा। आज हम लोग सबसे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारा जो जिस दिन उद्घाटन था उस दिन सदन चलने की वजह से माननीय हमारे गार्जियन और बिहारी चौधरी जी माननीय अध्यक्ष महोदय नहीं आ पाए, इसलिए आज वो हमारे यहाँ आए हैं हमको आशीर्वाद देने के लिए और हमारे सूर्यवंशम ऑटोमोबाइल्स का मान बढ़ाने के लिए। तो उनके द्वारा आज टीवी दिया गया, चाबी भी दिया गया कस्टमर लोगों को, तो ये भी हमारे लिए गर्व की बात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भानु प्रताप, क्या हुआ? सूर्यवंशम हॉस्पिटल और सूर्यवंशम ऑटोमोबाइल्स का चेयरमैन हो गया है, उस दिन नहीं थे तो आज जो है आकर सूर्यवंशम का सम्मान बढ़ाया, हम सब उनके सूर्यवंशम परिवार में मैं भी हूँ और हम सब उनका आभारी हैं, उनका आभार व्यक्त कर निकाला है कि स्टार्ट जब से शोरूम हुआ है 27 मार्च से किसानों को हम लोग फ्री सर्विस देंगे, सिर्फ उनको स्पेयर का पैसा मिलेगा और सर्विस के लिए एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं देना है और हमारा अक्रॉस इंडिया जितने भी NBFC है बैंक से सबसे हमारा टाइप है फाइनेंस का, तो हम लोग मिनिमम ब्याज दर से किसानों को ट्रैक्टर दे रहे हैं, इसलिए कि अगर किसी के किसान के पास कम पैसा भी है तो हम लोग उनको ट्रैक्टर
मिनिमम ब्याज दर से फाइनेंसर्स से उनको फाइनेंस करा के ट्रैक्टर ये सुविधा कब तक उपलब्ध? ये सुविधा अगले नोटिस तक उपलब्ध है, अभी ऐसा कोई नोटिस नहीं है कि बंद हो जाएगा, अभी चलता रहेगा। अभी तो एग्रीकल्चर का टाइम अभी स्टार्ट हुआ है, तो अभी तो हम लोग का स्कीम आना शुरू हुआ है, अभी तो चलेगा नवंबर दिसंबर तक ही। तो ऐसे हम लोग सुविधा किसानों को देते रहेंगे, फ्री सर्विस, मिनिमम ब्याज दर पे किसानों को ट्रैक्टर मुहैया कराना, कम से कम मार्जिन मनी पे किसानों को ट्रैक्टर देना, ये स्कीम हमारा चलता रहेगा। मेरा नाम दीपक चौहान हुआ, मैं असिस्टेंट एरिया मैनेजर हूँ पूरा सारण का इलाका ये एरिया।